शक्ति मैं शौर्य हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ। मैं शक्ति मैं शौर्य हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। क्या नापोगे हद मेरी, मैं बेहद हूँ, मैं गहरी हूँ। मुझको अबला कहने वालों, मैं सृष्टि की प्रहरी हूँ। पैरों में छाले हैं मेरे, पैरों में छाले हैं मेरे, पलकों बीच समंदर है। Thank you.
Thank you.
नारी जीवन के हर पहलू को समेट लेते हैं, जिनकी प्राप्ति हमारे समाज में चुनौती नहीं है। ये संवाद हमारी कोशिश है इन सभी महिलाओं की सोच इनके सुझावों से जोड़ने की और हमारे भविष्य की एक साझी सशक्त तस्वीर बनाने की। और सिविल सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्रों से महिला शक्ति आई हैं। हम तहे दिल से आप सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती समय भी दिया है। तालियां तो आप सभी के लिए बनती है, ये शायद आपके लिए ही बोला गया है। नींद से जागो ग्रामा, नींद से जागो। तुम वो दरिया हो, तुम वो दरिया हो जिसमें हुनर बहुत है, जिसमें हुनर बहुत है। जिस तरफ रुख करती हो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, जिस तरफ रुख करती हो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। एनीबॉडी गेस, मैं किससे रूबरू करवाने जा रही हूँ आपको? आज का इवेंट होस्ट किसने किया है? किसने होस्ट किया है आज का इवेंट? या जोरदार तालियां चित्रा मैम जी के लिए। मिसेस पूनम साधवा जी, अगर चित्रा जी हैं तो उनको प्लीज हमारे मैम आ गए हैं। चित्रा जी हमारी अंबाला की हर लेडी की धरती है। आज के इवेंट लेट्स टॉक अबाउट को सफल बनाने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। इसके अतिरिक्त अंबाला और हरियाणा में ही नहीं, इन्होंने भारत में भी अपने कार्यों की छाप छोड़ रखी है। जोरदार तालियां हमारे चित्रा जी के लिए। चित्रा जी, आपने शब्द सुने नहीं है, मैं उसको दोबारा रिपीट करने जा रही हूँ। तुम वो दरिया हो जिसमें हुनर बहुत है, जिसमें हुनर बहुत है। जिस तरफ रुख करते हो ते खुद खुद बन जाते हैं, जिस तरफ रुख करते हो रास्ते खुद खुद बन जाते हैं। तो ये है हमारी चित्रा मैम, इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन। आप सभी से निवेदन है कि खड़े होकर इनका स्वागत कीजिए। कहते हैं ना, वो जीता गया जिसकी साली ना हो, महफिल का जिसके ताली ना हो, तालियों की गूंज की करता है, ऐसे सारा माहौल गूंज जाना चाहिए। थैंक यू मैम। हेलो, वेलकम यू ऑल। ये तो इन्होंने मुझे बताना चाहिए था कि ये मेरी इतनी तारीफ करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडी हो गया। थैंक यू, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रेडी पहन लो। वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम योर हार्ट। मैम हमने ये भी बोला है कि आप दिल की भी उतनी ही सुंदर हैं। थैंक यू मैम। चेहरा है या चांद की लाम है, जुल्फ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स में हर महिला को अपने साथ एक ही माला में पुरोया हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से ये पैगाम भेजा है, तारों ने गगन से ये पैगाम भेजा है। स्वागत हो आप सभी महिलाओं का, स्वागत हो आप सभी महिलाओं का। चित्रा सरवारा जी ने तहे दिल से आपके स्वागत का पैगाम भेजा है। चित्रा जी ने आप सभी महिलाओं का तहे दिल से स्वागत का पैगाम भेजा है। इसके साथ साथ तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। मैं स्वागत करती हूँ मेरी पार्टनर मिसेस पूजा होनी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां तो बजा दो मेरे लिए।
इसके साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी दूसरी पार्टनर होस्ट मिसेस शिल्पी गोस्वामी जी का, जोरदार तालियां उनके लिए। कहते हैं ना, खाना जब बनाओ अगर नमक डालना भूल जाओ तो खाना बेस्वाद हो जाता है। ऐसे ही मैं अपनी दोनों सखियों के बिना अधूरी हूँ। आज के इस इवेंट को होस्ट करने में इन्होंने मुझे बहुत ही और दिल से मेहनत की है, मेरा साथ दिया है, इनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस इवेंट को होस्ट करने के लिए मिसेस पल्लवी आहूजा एंड श्रुति कबीर जी का भी बहुत बड़ा साथ रहा है। मैम आप प्लीज दो मिनट के लिए खड़े होइए। ये है, कहते हैं ना, कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर भी काम करते हैं, तो ये दो मेरी सखियां उनमें से हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी हमें बहुत ही योगदान दिया है। देखिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू भाभी। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि हमारे बीच अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, आज हमारे बीच बहुत ही डायनेमिक लीडर्स ऑफ कांग्रेस के आने वाले हैं जिनका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो हैं कुमारी शैलजा जी, सुश्री सुष्मिता देव जी, श्रीमती सुमित्रा चौहान जी, श्री दवेंद्र सिंह हुड्डा जी, गीता भुगल जी, मिसेस अनुपम रावत जी। जोरदार तालियां इन सबके लिए। ये अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे बीच आने वाले हैं। नारी शक्ति के नाम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेबी शाइन शर्मा जो कि गणेश वंदना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। कहते हैं कोई भी कार्यक्रम गणेश वंदना के बिना अधूरा होता है। ये छोटी सी बच्ची गणेश वंदना के जरिए प्रभु जी की स्तुति करने जा रही है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। Deva Shri Ganesh, 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 Deva Shri
Hello everyone, I'm Ruchika Bhutani. What else to say, we have all gathered here to celebrate womanhood, I suppose. And who's better than Chitra speaking for us, and I think we all are waiting for Shailani to come and speak before us. Thank you so much. ऐसे ही सभी प्यार से सुने देखो जो ऊपर बैठा होता ना उसकी उसको सारे ऑडियंस देख रहे होते हैं रीचा भाभी मुझे बहुत प्यार से देख रही हैं ये मुझे देख रहा है मिसेस रीचा होजा जी रितु भाभी इनके फेसेस से मुझे जो कोई भी ऊपर एंकरिंग कर रहा होता है ना एंकर सामने वाले सबको देख रहा होता है आप हमें देख रहे हैं तो हम आपको पीछे तक देख रहे हैं ईशा भाभी बैठी है हमारे बीच मेरी बहुत सी फ्रेंड्स आई हुई हैं तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए देखो कहते हैं ना जी मैंने कितने प्यार से आपके लिए बनाई है डार्लिंग अपने लिए भी तो ले आओ हाँ मैं अपने लिए अभी लेकर आती हूँ लीजिए मैं ले आई अपने लिए चाहे चल पास बैठ जा मेरे ठीक है जानू मैं आपसे एक बात पूछूं बोलो अगर मैं मर जाऊँ तो आप क्या करोगे अरे ये कैसी बातें कर रही है तू अरे जानू अगर मैं मर जाऊँ तो आप क्या करोगे मुझे बताओ प्लीज बताओ ना अरे रास्तों में सुबह तो कैसे महकी महकी बातें कर रही है नहीं नहीं अच्छा आप ऐसा करना अगर मैं मर जाऊँ ना तो आप दूसरी शादी करवा लेना अरे कैसी बातें कर रही है मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ अरे जानो प्लीज मेरे लिए दूसरी शादी करवा लेना ना आप मेरे से प्यार नहीं करते क्या अरे प्यार तो बहुत करता हूँ पर दूसरी शादी नहीं करवा सकता जानो मेरी हर बात मानते हो ये बात भी मान लेना प्लीज जानो चल तू कहती है तो दूसरी शादी करवा लूंगा चलो ठीक है आप दूसरी शादी करवा लेना ठीक है अच्छा जानो मुझे चलो पार्क में चलते हैं बाहर लॉन में चल के बातें करते हैं ऐसी बातें तो बाहर अच्छा लगता है ना मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और बातें भी हो जाएगी अब सुबह सुबह तो इतनी अच्छी बातें कर रही है तो मुझे मौसम वैसे ही बहुत सुहाना लग रहा है अच्छा जानो मुझे एक बात बताओ जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेडरूम का क्या करोगे आप बेडरूम को मैं ताला लगा दूंगा सफाई कराते रहना कहीं उसमें जाले लग जाए हाँ ठीक है सफाई कराता रहूंगा अच्छा जाना मुझे एक बात और बताओ जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे गहनों का क्या करोगे आप गहने तेरे गहने बहुत संभाल के लॉकर में ही रखूंगा उसे मैं किसे नहीं दूंगा और नई वाली को मैं डायमंड का हार दिलवाऊंगा कर लो बात उसको ये डायमंड का हार दिलवाएगा और मेरी वाइफ कहता है काम ही नहीं चल रहा चलो देखती हूँ इसको अच्छा जानू एक बात और बताओ आपने मुझे मेरे बर्थडे पे जो 800 मारुति गाड़ी लेकर दी थी उसका क्या करोगे अरे वो तो मैंने तुझे बहुत दिल से प्रेजेंट की थी उसको मैं गैरेज में बंद करवा दूंगा और जब तेरी याद आएगी उसे देखने जाया करूंगा नई वाली को तो मैं ऑडी लेके दूंगा कर लो बात नई वाले को ये ऑडी लेके देगा और मेरे बर्थडे पे सड़ी हुई 800 लेकर दी थी इसने मुझे अच्छा जानो अब मैं आप एक बात और चल पूछ ले एक बात और पूछ ले जानो सही से बताना और दिल से बताना झूठ मत बोलना मैं अभी तक तुझे अपने दिल की ही बातें बता रहा हूँ नहीं जानो कई बार आप झूठ बोल जाते हो ना प्लीज झूठ तो नहीं बोलोगे पक्का प्रॉमिस चलो अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे ठीक है जानो जो मेरे कपड़े हैं मेरी ड्रेसेस हैं मेरे लहंगे हैं मेरे वन पीस हैं मेरे शॉर्ट्स हैं उन सब का क्या करोगे आप अरे पागल वो कपड़े तो उसको पूरे भी नहीं आएंगे उसकी 26 इंच की कमर और तेरी 40 की अच्छा जानो अब आ जाओ आपने गर्लफ्रेंड रख रखी है इसका मतलब यही चीज तो मैंने आपके अंदर से उगलवानी थी ओ धक तेरे की मैं भी कहां मात खा गया तो देखिए अपने अपने पतियों को संभाल कर रखिए सवारी आपकी सामान के खोज जिम्मेवार धन्यवाद थैंक यू थोड़ा तालियों से स्वागत कीजिए हमारी डॉक्टर मैम का हेलो एवरीवन बाय
मैं डॉक्टर कहा कि प्लीज डोंट कॉल मी एज मिसेस चौधरी, क्यों नारी अधिकार की हम बात करते हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी मैं कैसे खो सकती हूँ, मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी हूँ, मिसेस चौधरी बाद में हूँ। मेरा ख्याल है आप लोग इस बात से सहमत होंगे जरूर, और अपने नाम को सामने लाइए, किसी के पीछे ना लगे। तो आज की मेरी कविता उन सभी वीरांगनाओं के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिसमें देश और प्रदेश का परचम उन्होंने लहराया है, और अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से उन्होंने ये बता दिया है कि हम किसी भी रूप में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि बहुत 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 आगे हैं। और उन्होंने सो कॉल्ड जो अबला नारी है उसके लेबल को हटा के फेंक दिया है, और अब हम अबला नहीं सबला है। प्लीज एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। तो आप सभी में से हैं वो वीरांगनाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में जरूर काम किया होगा, तो मैं अपनी लिखी हुई एक रचना आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। पार्वती तुम सीता भी तुम रामायण गीता भी तुम, पार्वती तुम सीता भी तुम रामायण विशाल, विशाल, साइड से, साइड से।
24 घंटे घर की ड्यूटी दे दे, उससे बड़ा हाउसवाइफ और कौन होगा, है ना? तो चलिए शिप्पी जी, आपसे ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई आप पे इतना कुछ भार नहीं है। शिल्पी एंड पल्लवी प्लीज इसके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें। शिल्पी और सॉरी, होता है जो आने वाला होता है पर आता नहीं है। हाँ जी, एक ऑडियो ने हमारा पीछे जो खिला आप पीछे पाए। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, वो क्या है जो आने वाला होता है पर आता नहीं है? जो आने वाला तो होता है पर आता नहीं है। एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट हस्बैंड से, तुम्हारा आने वाला तो होता है पर कहीं और चला जाता है। अब आप लोगों ने सबने इकट्ठे बोल दिए है, प्लीज एक एक करके बोलिए। रेस योर हैंड, ओनली रेस योर हैंड, इसलिए हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। गिफ्ट चाहिए तो ओनली रेस योर हैंड। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं पर खाई नहीं जाती? प्लीज रेज योर हैंड, से ऐसे मत बोलिएगा। बर्तन कुछ कुछ पास है। बिल्कुल सही, खाने की प्लेट। हाँ जी, मैम का नाम जरूर पूछिए। प्लीज आपका नाम? मिसेस मनिंदर बख्शी। जोरदार तालियां मनिंदर बख्शी जी के लिए। एक आदमी बारिश में बिना छतरी के घर से बाहर निकलता है। मगर उसका एक भी बाल गीला नहीं होता, बताइए क्यों? नहीं प्लीज। हाँ जी, आंसर अपने मन में रखिए, वरना और ऐसे गिफ्ट ले जाए। राइट, पहले वाला आंसर तो बताइए। पहले वाला आंसर था वो आप ही गंजा था। गंजा कैसे पूरा होगा भैया जी? आपके माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। शादी के बाद स्त्री के तीन रूप होते हैं। शादी के बाद वो ड्राइव करते हैं। रानी, लक्ष्मी, बाई। नहीं जी, ये तो है, ठीक है। वो रूप कैसे भी हो सकते हैं, प्यार वाले, रावले, अच्छे से कैसे भी हो सकते हैं। चंद्रिका, सूर्यमुखी और लास्ट वाली ज्वाला। वेरी नाइस आंसर, बिल्कुल ठीक है। कना ऐसी जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी, आंसर है पहला साल चंद्रमा, पहले साल का प्रीमियर शरीर बनी रहती है ना। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरे साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसका आना शुरू हो जाता है। तीसरे साल में मेरा काम करते होगे नहीं, पीछे बैठे हैं। अब वो पीछे शिल्पी सब बहुत ऐसे तरंगे की तरह हाथ हो रहा है, मुझे हाथ दिख रहा है, शक्ल नहीं दिख रहा है। ऐसी कौन सी चीज जो ऊपर तो जाती है पर नीचे नहीं आती? आंसर है भाप। भाप नहीं, सोचिए सोचिए। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है पर नीचे नहीं आती? शिल्पी इधर से हैंड राइज है। शिल्पी पूछा, आप जाइए नीचे। रितु मैम आगे आ जाइए। तो ऊपर जाती है वापस नहीं आती, दैट इज एज, उम्र। वाओ, वंडरफुल, उम्र, एज, सही जवाब, सही पकड़े। उम्र ही है जो ऊपर तो जाती है नीचे नहीं आती, और जो अक्सर लेडीज अपना बताना नहीं चाहती। हम चाहते पूछो, आप में से सबसे बड़ी उम्र की लेडी कौन सी है? किसकी उम्र सबसे ज्यादा है? यहाँ बैठे ऑडियंस में